Now you are selected for my new film. कैसा फील कर रही हो? Thank you so much, sir. आपने मुझ जैसी newcomer को एक चांस दिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया. Thank you so much, sir. I'm so grateful. I'm a man of taste. I always go for quality or quantity. मेरे पास इतनी दौलत है कि मैंने नाडियाड वालों को 4 फिल्मों के लिए फंड दिया है और साल भर में 8-10 फिल्में तो मैं यूं निकाल सकता हूँ, पर मैं ऐसा कभी करता नहीं. पूछो क्यों? क्यों? गुड क्वेश्चन. वो इसलिए बिकॉज़ आई एम अ मैन ऑफ टेस्ट. मैन ऑफ टेस्ट, राइट. यू नो, मुझे नए लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है. इन पार्टीज में जा जाकर वो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज से मिल मिलकर ना उब गया हूं मैं. इसलिए मैं उधर डिसाइड कर लिया है, काम करूंगा तो सिर्फ नए टैलेंट के साथ. कटरीना जब नई नई आई थी तो मेरे पास ही आई थी. मैंने तो उसे साफ कह दिया, बेबी यू विल नॉट मेक एनी बूम. नहीं मानी. देखो ये परिणीति, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, जितने भी हॉट एक्ट्रेसेस है ना, सबको टेस्ट कर चुका हूँ मैं. मेरा मतलब सबसे मिल चुका हूँ मैं, बट मजा नहीं आया. यू नो बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ टेस्ट. आज की डेट में एक्ट्रेस को हॉट होना बहुत जरूरी है. यू नो, हॉट फिगर, हॉट एटीट्यूड एंड इवन हॉट इन बेड, वेरी इंपॉर्टेंट. तुम समझ रही हो ना? बिकॉज हॉटनेस सेल्स. अब बाकी जगह तो लोग किसी के साथ भी काम कर लेते हैं, लेकिन मेरे बैनर के नीचे वही लोग काम करते हैं जिन्हें मैं सिलेक्ट करता हूं. बट यू आर डिफरेंट. और बताओ तुम्हें क्या चाहिए और कितना चाहिए? आई कैन गिव इट टू यू, अ टेस्ट ऑफ अ सक्सेसफुल करियर. बस तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, देर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड. यहां बहुत सी लड़कियां आती हैं, लेकिन वही ओल्ड मेंटेलिटी लेकर, और उनका कुछ भी नहीं होता और होगा भी नहीं. सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो उसकी कीमत चुकाना चाहता है. कुछ समझी? सर आपकी इतनी बातों में मुझे ये बात तो समझ आ गई है दैट यू आर अ मैन ऑफ टेस्ट. सो मैं सेक्स को बुरा नहीं समझती. मतलब अगर किसी को पसंद करती हूँ, किसी को प्यार करती हूँ, तो बेशक सी बात है उसके साथ रिश्ता निभाऊंगी. मैं देखो कितनी मॉडर्न हूँ, पर साथ ही थोड़ी पर्टिकुलर भी. मेरा भी सर आप जैसा ही है. मैं भी ऐसे किसी के साथ भी नहीं कर सकती. यू सी आई एम अ वुमन ऑफ टेस्ट टू. Good. And frankly, you are not my taste. And by the way, मैं यहाँ आने से पहले excited थी, लेकिन अभी मैं super excited हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी film नहीं कर रही. Actually, तुम फिल्म बना भी नहीं रहे, बल्कि नई लड़कियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो. तभी तो आज तक एक भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है, बस पोस्टर्स लगा रखे हैं. मुझे तो एक दिन चांस मिल ही जाएगा, क्योंकि मुझे पता है फिल्म्स कॉम्प्रोमाइज से नहीं बल्कि कॉन्विक्शन से बनती है. और जो तू ये बड़े बड़े एक्ट्रेसेस का नाम ले रहा है ना, उनके साथ सेल्फी क्लिक कराने की भी औकात नहीं है. टेस्ट कर चुका हूं. बात करता है बड़ा आया.